तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके क्विज विद विशाल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 3.1 के 1 से 5 तक के प्रश्नों को सरल किया था, तो आज हम सब 6 से 10 तक के प्रश्नों को सरल करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसके प्रश्नों पर चलते हैं और प्रश्नों को सरल करते हैं, ठीक है। हमें 6वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें पहला प्रश्न दिया गया है अव्यू 4, 3, x और 5, ठीक है, जो कि 2x2 का है। बराबर दिया गया है y, z, 1, 5, ठीक है। इसको एक बार उतार लेंगे, 4, 3, x, 5 और y, z, 1, 5, ठीक है। तो यह 2x2 का है, यह भी 2x2 का है, ठीक है। तो यह यहाँ पर लिख भी दिए हैं कि एक वर्ग अव्यू है तो संगत अवयव समान होंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दें चूंकि या क्या है, एक वर्ग अव्यव है इसलिए जो संगत अवयव हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। जैसे यक्स बराबर वाई, 3 बराबर जेड, यक्स बराबर 1, 5 बराबर 5। तो यहाँ पर हमें यक्स वाई जेड का मान सिर्फ बताना है, तो यहाँ पर सीधे सीधे रख देंगे क्या, 4 बराबर वाई, मतलब वाई का मान कितना आ गया 4, 3 बराबर जेड, मतलब जेड का मान कितना आ गया 3, यक्स बराबर 1, यक्स का मान कितना आ गया 1 आ गया। बस यक्स वाई जेड का मान मैं पूछ रहा था, निकाल दिए। अब इसी प्रकार दूसरा प्रश्न हमें पूछ रहा है कि यक्स प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई फिर बराबर क्या 6, 2, 5, 8, इस सट गया है 62 और 58, ने मत समझना ये अलग है, ये अलग है, इसमें 4 अवयव है, 6, 2, 5, 8, ठीक है। तो हम एक काम वही फिर अपनाएंगे, 2x2 का है दोनों, तो एक वर्ग अभी वही इसलिए संगत होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर क्या 6, 2 बराबर 2, 5 प्लस जेड बराबर 5, xy बराबर 8, ठीक है, वही लिखेंगे। तो x plus y बराबर 6, तो यहाँ पर लिख देंगे x plus y बराबर 6, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर 5 plus z बराबर 5, 5 plus z बराबर 5, समीकरण 2। फिर xy बराबर 8, xy बराबर 8, समीकरण 3 लिख देंगे। तो समीकरण 2 से हम देखेंगे क्या, समीकरण 2 हमें दिया है 5 plus z बराबर 5, ठीक है, 5 plus z बराबर 5, तो हम 5 को इधर भेज देंगे तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी तुरंत। तो 5 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 5 अर्थात 0 हो जाएगा, मतलब z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 0 मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो यहां पर समीकरण 1 से x plus y बराबर 6 हमें समीकरण दिया हुआ है। क्या करते हैं कि समीकरण 1 से x plus y बराबर 6, ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, y को इधर भेज देंगे तो 6 माइनस y हो जाएगा, ठीक है। इसका x बराबर 6 माइनस y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या था, xy बराबर 8 था, प्रतिस्थापन विधि है जो कि हम लोग 10 में पढ़े हुए हैं। तो xy बराबर 8 था हमारा समीकरण 3 था। अब इसमें x की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 6 माइनस y, x की जगह रख देंगे 6 माइनस y, इंटू y पहले से है, गुणा कर देंगे, गुणनखंड विधि से इसको क्या करेंगे, सरल कर देंगे, तो हमारा y की वैल्यू मिल जाएगी क्या 4 और 2, ठीक है, 2 मिल जाएगी। अब यहाँ पर y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 हमारा क्या है, यहाँ पर x बराबर 6 माइनस y, समीकरण हमारा 4 है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, x बराबर 6 माइनस y, समीकरण 4 है, ठीक है। तो वहां पर हम क्या रखेंगे, y का मान रख देंगे, अगर x बराबर 6 माइनस y, तो x बराबर 6 माइनस 4, अगर 4 रख रहे हैं y का मान तो क्या आएगा, x मान 2 आएगा, अगर हम y का मान 2 रख रहे हैं तो x का मान 4 आएगा, ठीक है, इतना तो आप लोग जान ही सकते हैं। अब हमारा मान निकल गया एक्स वाई का, यहाँ पर एक्स का निकल गया, यहाँ पर वाई का निकल गया, और पहले पहले जेड का निकल गया था। और जो हमारा उसमें दूसरा प्रश्न पूछा हुआ है, तो तीसरा प्रश्न x plus y plus z x plus y x plus z बराबर 9, 5, 7, वर्ग अव्यव है तो संगत अवयव बराबर होंगे, ठीक है, ये तो पता ही है। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से प्रश्न, x plus y plus z बराबर 9 मिल जाएगा समीकरण 1, x plus y बराबर 5 समीकरण 2, y plus z बराबर 7 समीकरण 3। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 यहाँ पर उतार लेते हैं, समीकरण 2 यहाँ पर उतार लेते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से है ना,
हाँ समीकरण दो से, यहाँ पर तीन लिखा गया है समीकरण दो से। तो समीकरण दो का मान समीकरण एक में रख देते हैं। समीकरण दो का मान क्या है, x प्लस वाई बराबर जेड है, ठीक है, x प्लस वाई बराबर जेड है। और समीकरण एक क्या है, x x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। तो x प्लस वाई बराबर जेड हम, x प्लस वाई बराबर 5 है, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो हम x प्लस वाई का मान यहाँ पर रख देंगे। x प्लस वाई की जगह क्या रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, तो x प्लस वाई की जगह हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। तो 5 प्लस जेड बराबर 9 हो जाएगा। अब 5 को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो जेड बराबर 9 माइनस 5 अर्थात जेड बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम काम करेंगे कि समीकरण 3 में रख देंगे जेड का मान, तो समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 हमारा क्या है, वाई प्लस जेड बराबर 7 है, तो जेड का मान 4 अभी निकाले हैं, 4 रख देंगे, तो 4 को इधर भेजेंगे, 7 माइनस 4 अर्थात तो वाई का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। हमारा जेड का मान मिल गया, वाई का मान मिल गया, और एक्स का मान अभी निकालना है। तो क्या करेंगे कि वाई का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 क्या था हमारा, एक्स प्लस वाई बराबर 5 था, ठीक है। तो इसमें वाई की वैल्यू मिल गई 3, तो एक्स प्लस 3 बराबर 5, 3 को उधर भेज देंगे, तो 5 माइनस 3 एक्स बराबर 2, ठीक है, 5 माइनस 3 2। अतः हमारा x का मान 2, y का मान 3 और z का मान 5। यही हमसे पूछ रहा था कि x, y का और z का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो चलो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। सातवां प्रश्न में दिया हुआ है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर माइनस 1 5 0 13 से a b तथा a b c तथा d का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो एक बार प्रश्न उतार लेंगे वैसे ही, फिर हमें जानते हैं कि 2 क्रॉस 2 का यह भी है, 2 क्रॉस 2 का यह भी है, मतलब संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब a माइनस बी बराबर माइनस 1, 2a प्लस सी बराबर 5, 2a माइनस बी बराबर 0, 3c प्लस डी बराबर 13, ठीक है। तो यहां पर हमारे बन जाएंगे सारे सारे समीकरण की a माइनस बी बराबर माइनस 1 समीकरण 1, 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण 2, 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण 3, 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण 4, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से 1 को घटाने पर, ठीक है, हम समीकरण 3 से इसमें भी a b है और इसमें भी a b है, ठीक है, तो हम घटा देंगे। समीकरण 3 से 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 3 हमारा क्या था, 2a माइनस बी बराबर 0 था, और समीकरण 1 क्या है हमारा, a माइनस बी बराबर माइनस 1 है, a माइनस बी बराबर माइनस 1 है। अब घटाते समय चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, पता है आप लोगों को। तो a क्या था, प्लस था, यह माइनस हो जाएगा, और b माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और यह एक माइनस है तो यह प्लस हो जाएगा। अब b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला माइनस है नीचे वाला प्लस है, तो प्लस माइनस कैंसिल। अब यहाँ पर 2a है, यहाँ पर a k है, तो दो a में से एक a जाएगा, तो एक a बचेगा बराबर। अब जीरो में से जीरो में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक आएगा, a बराबर एक। हमें a की वैल्यू मिल गई, कितनी, एक मिल गई। अब a का मान हम समीकरण एक में रख देंगे। समीकरण एक था हमारा a माइनस बी बराबर माइनस 1, तो a का मान एक आ गया, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे कि इसको, यह माइनस 1 है ना, माइनस 1 है। अब माइनस बी को इधर उठा लाएंगे और इस माइनस 1 को इधर कर देंगे, तो इधर माइनस बी जो है इधर आएगी तो प्लस भी हो जाएगी, और माइनस 1 को इधर लेकर आएंगे, ऐसे एक लाइन कर देते हैं कि माइनस क्या था, 1 माइनस बी बराबर माइनस 1 है, तो 1 इस माइनस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो बी हो जाएगा, तो 2 बराबर बी, मतलब बी बराबर 2 या 2 बराबर बी, तो बी बराबर 2 हमें मिल गया कि नहीं मिल गया। इसी प्रकार ए का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 था 2a प्लस सी बराबर 5, ए की वैल्यू कितनी हमें आई मिली है, कितनी मिली है, एक मिली है ना, बस एक एक जगह एक रख देंगे, तो 2 गुण ए प्लस सी बराबर 5, 2 एक कम 2, 2 को उधर भेजेंगे तो 5 माइनस 2, मतलब सी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ए बी सी का मान मिल गया कि नहीं मिल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, डी का। अब समीकरण 4 में हम सी का मान रख देंगे, ठीक है, चलो देख लेते हैं। सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 था हमारा 3c प्लस डी बराबर 13, तो सी का मान 3 आया था, और 3 पहले से 3 तरीके 9 हो जाएगा, 9 को इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 13 माइनस 9 बराबर 4, डी की वैल्यू मिल गई 4, अतः ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4, ठीक है।
फुल हैंड रिटन नोट्स के साथ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आठवां प्रश्न पर आते हैं। आठवां प्रश्न दिया हुआ है ए बराबर आब्यू ए आई जे जो कि यम क्रॉस यम का है, एक वर्ग आब्यू है, यदि अब इसको हम लिखना पड़ेगा कि एक वर्ग आब्यू वह होता है जिसकी पंक्ति यम स्तंभ यन के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ पर ए बराबर आब्यू ए आई जे यम क्रॉस यन, तो यहां पर ए ए आई जे ए बराबर ए आई जे यम बराबर यन, अगर यम यन के बराबर है, ठीक है, यम यन के बराबर है मतलब कि जितनी पंक्ति उतनी स्तंभ, मतलब इसमें क्या है एक पंक्ति तो एक स्तंभ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा यम क्रॉस यन बराबर यम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस नौवां प्रश्न है, नौवां प्रश्न में दिया हुआ है एक्स तथा वाई के प्रदत्त किस मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है, मतलब आव्यूह में दिया हुआ है 3x plus 7, 5, y plus 1, 2 minus 3x, फिर कामा 0, y minus 2, 8, 4, ठीक है। तो चलिए इसके आंसर पर चलते हैं, नौवे के आंसर पर, तो इसका जल्दी से हल देख लेते हैं। तो हमें दिया था 3x plus 7, 5, y plus 1, 2 minus 3x, इक्वल टू 0, y minus 2, 8, 4, ठीक है। यह क्या है दो क्रॉस दो का है, पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक वर्ग का भी वैसे संगत हुए क्या होंगे समान होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x plus 7 बराबर 0 हो जाएगा, 5 बराबर y minus 2, y plus 1 बराबर 8 और 2 minus 3x बराबर 4, तो यहाँ पर समीकरण एक बन जाएगा 3x plus 7 बराबर 0, समीकरण एक, y माइनस दो बराबर पांच या पांच बराबर वाई माइनस दो, समीकरण दो, और मिल जाएगा टू माइनस थ्री एक्स बराबर फोर, समीकरण तीन बन जाएगा। अब समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है थ्री एक्स प्लस सेवन बराबर जीरो है, थ्री एक्स प्लस सेवन बराबर जीरो है, तो सात को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा और तीन इधर गुणा में तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट लिख दिए एक्स बराबर माइनस सात बट्टे तीन, ठीक है। अब समीकरण दो से, समीकरण दो क्या है वाई माइनस दो बराबर पांच, वाई माइनस दो बराबर पांच, तो दो को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा पांच दो सात, वाई बराबर सात आ जाएगा, एक्स और वाई का मान मिल गया। अब यहां पर हमें समीकरण तीन से, समीकरण तीन क्या है दो माइनस थ्री एक्स बराबर चार, दो माइनस चार बराबर थ्री एक्स, ठीक है, तो यहां पर दो में से चार मतलब चार में से दो जाएगा माइनस दो, ठीक है, और तीन इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा तो माइनस दो बटे तीन, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस दो बटे तीन। अब एक्स का मान अनिश्चित है, ठीक है, एक्स का मान क्या है अनिश्चित है, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि अरे अभी एक्स के मान तो यहां पर भी मिले थे ना एक माइनस सात बटे तीन, और यहां पर एक्स का मान मिला है माइनस दो बटे तीन, मतलब क्या है एक्स का मान अनिश्चित है, मतलब क्या यह ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं दसवां प्रश्न जो है हमारा, थ्री क्रॉस थ्री कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्ट जीरो या एक है, ठीक है, बस छोटा सा प्रश्न है दो लाइन का, देख लेते हैं कि आव्यूहों की कोटि हम जानते हैं यम क्रॉस यन की होती है, अवयवों की संख्या थ्री क्रॉस थ्री आव्यूह कितनी क्रॉस की थी हमारा बताया था अभी थ्री क्रॉस थ्री के, तो आव्यूहों की संख्या कितनी हो जाएगी तीन थ्री की ना हो जाएगी ना। अब प्रविष्ट क्या कहा था जीरो या एक, अब जीरो या एक मतलब जीरो और एक कितने हो गए एक और एक दो, मतलब जीरो खुद एक है और एक तो एक ही है, ठीक है, तो मिलके मतलब दोनों एक हो गए कि नहीं हो, दो हो गए ना, एक यह और एक यह दो हो गया, प्रविष्ट कुल दो हो गए। अब कुल आव्यू बराबर प्रविष्ट अवयव की संख्या, ठीक है, प्रविष्ट अवयव की संख्या, तो कुल आव्यू बराबर कितना दो, और दो के पावर अवयव की संख्या कितनी नौ हो जाएगा। अब दो के पावर नौ दो बार दो का दो गुड़ दो गुड़ दो गुड़ नौ बार अर्थात 512 आंसर, ठीक है। तो अब दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यहीं पर हमारी 3.1 प्रश्नावली क्या होती है 3.1 प्रश्नावली समाप्त होती है। अब मिलते हैं आप सभी से 3.2 प्रश्नावली के साथ।
प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी मदद मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।